ज़ालमाना हथकंडे जो भी आप आजमा सकते हैं आप आजमाएं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो जुल्म उतना ही करें जितना बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह पाक आपसे इस जुल्म का बदला ज़रूर लेगा और हम भी मैदान नहीं छोड़ेंगे। जितना भी आप जुल्म कर सकते हैं कर लें, आप वो इख्तियारात ही नहीं रख रहे जिन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। असातिज़ा किराम को इस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ना लिखना सिखाया, उन्होंने आपको कलम पकड़ना सिखाया, और जिन हाथों ने आपको कलम पकड़ के लिखना पढ़ना सिखाया आप उन्हीं के लिए हथकड़ियाँ तलाश कर रहे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे धकेल रहे हैं। जिन खवातीन ने, जिन लेडी हेल्थ वर्कर्स ने, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स ने आपको और आपके बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए, आप उनके दुश्मन बने हुए। ना खवातीन का एहतराम है, ना असातिज़ा किराम का एहतराम है, ना बच्चों का मुस्तकबिल का एहसास है, किसी का कोई एहसास नहीं है। किस दुनिया में रह रहे हैं? कौन सा निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान में लागू है? कौन सा कानून इस वक्त यहाँ पर चल रहा है? बदतरीन लाकानूनीत है। एक गैर आइनी हुकूमत गैर आइनी अहकाम के ज़रिए तमाम आवाम को दबाना चाहती है, सबके गले घोंटना चाहते हैं। तो हम इस तरह तो बाज नहीं आएंगे। मैं आप तमाम सरकारी मुलाजमीन से ये अपील करूँगी कि इस रियासती दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इस रियासती जबर के ख़िलाफ़ अपना पूरा मन एहतजाज जारी रखें। हम अपनी पूरा मन तहरीक को मज़ीद तेज़ करेंगे। मैं अपील करूँगी सिविल सोसाइटी से कि इतना जुल्म किया जा रहा है, आप हमारा साथ दें। मैं वकला बिरादरी से अपील करूँगी, मैं अपनी डॉक्टर्स कम्यूनिटी से अपील करूँगी, जितनी भी हमारी सिविल सोसाइटी है, जितने भी हमारे महकमे हैं, तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक पेज पर आना चाहिए। सिविल सोसाइटी को इस वक्त हमारी आवाज़ बनना चाहिए। इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मैं अपील करूँगी कि वो इस सारे मामले को देखकर हमारा साथ दें। हमें सबको एक होने की ज़रूरत है, हमें सबको इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने की ज़रूरत है, पुरअमन तहरीक को मज़बूत करने की ज़रूरत है, और हम ये पुरअमन तहरीक जारी रखेंगे। तमाम ज़ालमाना हथकंडे जो भी आप आजमा सकते हैं आप आजमाएं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो मेरा तमाम अपने गयूर सरकारी मुलाजमीन को ये पैगाम है कि आप सब हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें और पुरअमन एहतजाज जारी रखें। ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पर मुंतज होगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम सब हक पर हैं, हम सब डटे हुए हैं, हम सब मैदान नहीं छोड़ेंगे। जालिम को अपना जुल्म बंद करना पड़ेगा, ये नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी। कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो इसलिए हम पुरअज़म हैं, हर जुल्म के बाद हमारे हौसले बुलंद होते हैं, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सरकारी मुलाजमीन इत्तेहाद पाइंदाबाद।